हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी ग्रामर में आज का मेरा टॉपिक है मामा जी की शादी में जाने के लिए प्रार्थना पत्र। ये मैंने आपको 31 मई को कराई थी, है ना। लेकिन शायद इसका वर्क पता नहीं, कुछ बच्चों ने करा है, कुछ ने नहीं करा है, तो इसको चाहे आप रिविजन मान लो, जिसका नहीं हुआ है वो इसको वर्क को कर लो, जिसका हो गया है वो इसे लर्न कर लेंगे और लर्न करके रफ कॉपी में लिख के देखेंगे, ठीक है। तो मामा जी की शादी में जाने के लिए प्रार्थना पत्र, यहाँ पर हम वही सेम मैटर लिखेंगे पहले जैसे हम लिखते थे हर बार। सेवा में प्रधानाचार्य जी, आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्लभगढ़, ठीक है। यहाँ पर हमें स्पेस नहीं छोड़ना है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, श्रीमान जी कौमा आ जाएगा, कौमा यहाँ भी आ जाएंगे जैसे आपको बता रखे हैं शुरू में। तो उसके बाद यहीं से लिखेंगे, मैं आपके स्कूल में 3री कक्षा में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। मेरे मामा जी की शादी 24 जून, यहाँ पे मैंने जून लिखा हुआ है ना। लेकिन आप जब भी जा रहे हैं, जबकि किसी की भी शादी में जा रहे हैं, तो हम स्कूल से अगर किसी काम स्कूल में नहीं प्रेजेंट हो रहे हैं तो उसका रीजन हम बता के जाते हैं ना विद एप्लीकेशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 24 जून, तो हम वही डेट लिख सकते हैं जहाँ हम जा रहे हैं उसके आगे की डेट 24 जून को है। परिवार के सभी सदस्य शादी में जा रहे हैं, मुझे भी शादी में जाना है। आपसे विनती है कि मुझे 4 दिन 23 से 26 जून तक का अवकाश प्रदान करें। अवकाश होती छुट्टी प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी, ठीक है। आप जो बच्चे अब लिख रहे हैं वो ये नहीं सोचें कि मैम ने ये मतलब डेट ऐसे क्यों लिखी है। डेट ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम तब की लिख रहे हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 24 जून की जगह आप यहाँ जुलाई कर दो, ठीक है, यहाँ पर भी जुलाई कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर सेम मैटर आ जाएगा, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, यहाँ पर अपना नेम, यहाँ कक्षा और यहाँ तिथि। जो बॉयज होंगे वो उन्हें पता है, वो शिष्य लिखेंगे, शिष्या नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको रिवीजन मान के चलो, क्योंकि कुछ बच्चों का वर्क ये कम्प्लीट है, लेकिन जिनका वर्क कम्प्लीट है उनका मेन क्या है, ये काम लर्न करना, लर्न करके रफ कॉपी में लिख के देखना। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।